बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, एक अदद और सवाल के साथ आपके सामने। ये एक मेरे बच्चों मार्च 2017 का 13 मास का सवाल है। लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन मेक और बाय का है, जिसमें एग्जामिनर ने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी है फॉर अ फैक्ट्री जो कि अपनी इंटरनल डिमांड पूरी करने के लिए जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, और वो प्रोडक्शन वो मजबूरन बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर पा रही। और आपसे एग्जामिनर जनाब सवाल के रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। मजबूरी के तहत जो सारे यूनिट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनमें से कितने यूनिट्स हम खुद से बनाएं और कितने यूनिट्स हम बाहर से परचेज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये इंटरनल हम काम जो है वो कर रहे हैं, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस तो नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा, यहाँ पर सेविंग का जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। आए सवाल को रीड करें और सवाल को देखें। देखिए एग्जामिनर मांग क्या रहा है। हमें कह रहा है जनाब, एन के एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस वेरियस कंपोनेंट्स फॉर टेलीकॉम कंपनीज, द डिमांड ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इंक्रीजिंग, हाउ एवर द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50,000 मशीन आवर्स ओनली। ये टिपिकल उन सवालात की तरह है जहां पर एग्जामिनर ने ना आपको लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बता दिया है कि यार इस आने वाले महीने में ना हमारे पास मशीन आवर जो है वो एक रिस्पेक्टेड एक एक, एक सॉरी एक रिस्ट्रिक्टेड जो है वो क्वांटिटी के अंदर हमारे पास है। कह रहा है देयर फॉर द कंपनी इज कंसिडरिंग टू बाय सर्टन कॉम्पोनेंट्स एक्सटर्नली। हम सोच रहे हैं यार ये काम करते हैं, ये आइटम जो है ना वो बाहर से बाय कर लेते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बिन गैदर्ड। इसने आपको ना जो चारों कॉम्पोनेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी डिमांड आपके सामने रख दी है, कितने कितने घंटे में एक कॉम्पोनेंट हो रहा है प्रोड्यूस उसकी डिमांड आपके सामने रख दी है, और इसने आपको नीचे दे दिया कॉस्ट कार्ड। अच्छा, जो कॉस्ट कार्ड इसने आपको दिया उसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज इन हाउस कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सी बात लिखी हुई है, कॉस्ट पर यूनिट। इसने ये बात नहीं करी है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है, वो सेग्रीगेशन हमने खुद करनी है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इस इन हाउस कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या है। सर, इस इन हाउस कॉस्ट में मेरे भाई मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। सर, ये कौन सा वाला फैक्ट्री ओवरहेड है? बहुत दफ़ा बोला है, दोबारा बोल रहा हूँ, और इस वीडियो के बहाने ये बात प्लीज़ याद कर लीजिए। जब जब पेपर में लिमिटिंग के सवाल में, CVP में, डिसीशन मेकिंग में, वेरियंस में, प्रोसेस में, जिस सवाल में एग्जामिनर वर्ड यूज करेगा फैक्ट्री ओवरहेड का, प्लीज सवाल ध्यान से देख लेना। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है कि इसमें दोनों तरह के ओवरहेड शामिल हैं, वेरिएबल भी और फिक्स भी। सर, इसने हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं 16, 8, 8.5 और 5 का, और साथ में इसने हमें एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट भी जो है वो दी है 5, 3, 4 और 2 की। सर, इसने सामने हमें ये बता दिया कि जनाब बाहर से एक वेंडर हमें यही सामान जिसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास 50 रुपये आ रही है, यही सामान हमें 35 को ऑफर कर रहा है। सिमिलरली फॉर X2, 3, 4 उसने हमें परचेज प्राइस जो है वो दे दी है, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। कह रहा है जनाब, फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फिक्स ओवरहेड्स विच आर एस्टिमेटेड एट 1.5 पर मशीन आर। ये OAR का रेट इसने आपको निकाल के दे दिया। यू माइट बी एबल टू रिकॉल के बॉक्साइट लिमिटेड स्प्रिंग 2012 के सवाल में हमारे पास ऐसा ही एक केस आया था जहां पर हमने OAR खुद निकाला था और टोटल ओवरहेड्स की कॉस्ट में से फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट को सेग्रीगेट किया था। आए सवाल। सर, ये बड़ा आसान सवाल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। मैं सिर्फ इसका ना कॉस्ट कार्ड आपके सामने डिकोड करूंगा, और उसके बाद आप ये सवाल खुद भी जो है वो सॉल्व अपने पास कर सकते हैं। अगर आपने ये सवाल पहले अटेम्प्ट किया हुआ तो यू कैन जंप डायरेक्टली टू द आंसर। मेरे भाई, मटेरियल कॉस्ट का तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे ये जरा चेक करना है कि सप्लायर की जो कॉस्ट है वो मुझे सस्ती पड़ रही है या मेरी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट मुझे जो है वो सस्ती पड़ रही है। लेकिन डिसीशन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में जिस प्रोडक्शन कॉस्ट को हम लोग अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, ये वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है जिसको मैनेजर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो मैनेजर के डिसीशन लेने से चेंज हो सकती है। सर, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर आपकी बेस ये है कि मैनेजर के डिसीशन लेने से चेंज हो सकती है, तो सर सबसे पहले इस कहानी के अंदर से एलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की कॉस्ट को बाहर निकाल दें। इसको बाहर निकालने के दो रीज़न है। रीज़न नंबर वन, पहली तो ये एलोकेटेड कॉस्ट है, इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट का एक फिक्स कॉम्पोनेंट है। तो चाहे मैं X1, 2, 3, 4 बनाऊँ ना बनाऊँ, चारों बना दूँ, कम बनाऊँ, आधी डिमांड करूँ, या सिर्फ दो प्रोडक्ट बनाऊँ, मेरी टोटल कॉस्ट में किसी किस्म का चेंज नहीं आने वाला। एक रीज़न ये है कि एलोकेटेड कॉस्ट इज दैट इज़ वाई ट्रीटेड इररेलीवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, और हम तो डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दूसरा रीज़न मेरे भाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। हमें सप्लायर की प्राइस से मैच करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को, अपनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करना है। अब दूसरा आइटम आ गया। दूसरा आइटम मेरे भाई मेरे पास है फैक्ट्री ओवरहेड का, और मुझे इस फैक्ट्री ओवरहेड में से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट नहीं चाहिए, अगेन ऑन द वेरी सेम ग्राउंड्स कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज इररेलीवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। चाहे मैं इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम कर दूँ,
चाहे मैं इनको सारी डिमांड पूरी कर दूं, मैं जो मर्जी करूं, सर मेरे पास ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो मुझे करना क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता, सेलिंग प्राइस तो सवाल के अंदर है नहीं, तो सर मुझे ना इस सवाल में हर यूनिट की सेविंग चाहिए है पर यूनिट की फॉर्म में, अगर ये प्रोडक्ट मैं खुद बनाऊँ। लेकिन मसला ये है कि सेविंग निकालने के लिए मेरे पास परचेज प्राइस तो है, अगर मैं वेंडर से परचेज करूँ, मेरे पर प्रोडक्शन कॉस्ट में कुछ आइटम नहीं है। तो आइए इस सवाल को जो है वो सॉल्व करें और इसकी पहले वर्किंग की तरफ मूव करें। सर मेरे पास चार अदद प्रोडक्ट्स हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर, और इन चारों प्रोडक्ट की मेरे पास जो एक्सटर्नल परचेज प्राइस आ रही है वो अवेलेबल है। आसान काम पहले कर लेता हूँ, अगर मैं वेंडर के पास जाऊँ और वेंडर भाई को बोलूँ कि वेंडर भाई ये प्रोडक्ट ज़रा आप हमें बताएं किस रेट पर देंगे, तो वेंडर मेरे दोस्त आपको ये 35 रुपये पर यूनिट, 40 रुपये पर यूनिट, 34 रुपीज़ पर यूनिट और 33 रुपये पर यूनिट की रेट पे देगा। अच्छा फिर हमारे मैनेजर ने हमसे पूछा, यार ये बताओ ये तो चलो वेंडर दे रहा है, हमारा अपना क्या रोल है इसके अंदर, हम खुद क्या कर रहे हैं? सर अगर हम ये प्रोडक्ट खुद बनाएं तो हमारी इंटरनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है? सर हमारी इंटरनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। सर सबसे पहले तो इस कॉस्ट की ना हमारे पास आ रहा है मटेरियल कॉस्ट, 20 रुपये का, 28 रुपये का, 23 रुपये का और 22 रुपये का। सर दूसरा हमारे पास इसकी आ रही है लेबर कॉस्ट, 9 रुपये, मैं सबका एक कॉस्ट कार्ड अपने पास बना रहा हूँ, 5 रुपये, 9 रुपये और 8 रुपये। सर इसके बाद मुझे इसकी चाहिए वेरिएबल ओवरहेड, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास नहीं है। मेरे पास ऑल दो फिक्स ओवरहेड का जो आवर्ली एब्जॉर्प्शन रेट है 1.5 रुपये का वो दिया हुआ है, और हर प्रोडक्ट में कितने कितने घंटे खर्च हो रहे हैं वो दिए। अच्छा जी सर मेरे पास मटेरियल कॉस्ट भी हो गई है, लेबर कॉस्ट भी हो गई है, सर अब मुझे ना इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड जो कॉस्ट है ना उसमें से फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को बाहर निकालना है। अब फिक्स ओवरहेड कॉस्ट का ना मुझे रेट दिया हुआ है 1.5 रुपये घंटा, और हर प्रोडक्ट के टोटल मशीन आवर्स मेरे पास हैं, तो अगर मैं चाहूँ एक वर्किंग यहीं पर जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। सर मेरे पास फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट 1.5 × 8 के हिसाब से 12 रुपये आ रही है फॉर एक्स वन, 1.5 × 4 के हिसाब से 6, 1.5 × 5 के हिसाब से 7.5 और 1.5 × 2 के हिसाब से 3। मेरे भाई ये मेरे पास है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, मुझे इसको एडजस्ट करना है अपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से, जिसका मतलब ये हो गया कि मेरी वेरिएबल ओवरहेड जो कॉस्ट आ रही है, मैं वापसी ज़रा सवाल में जाऊं, मेरी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो मेरे पास यहाँ पर आ रही है वो आ रही है 4 रुपये इसके लिए, 2 इसके लिए, 1 इसके लिए और 2 रुपया इसके लिए। मेरे पास ये टोटल इंटरनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है। अगर मैं इस इंटरनल टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करूँगा तो मैं अपने मैनेजर को बोल सकता हूँ कि सर अगर ये प्रोडक्ट हम खुद बनाए ना एक्स वन तो 33 का पड़ेगा, दूसरा वाला हमें 35 रुपये का पड़ रहा है, ये भी 33 का पड़ेगा और ये हमें पड़ेगा 32 का। जिसका मतलब ये हुआ कि इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स में तफाक से सेम कहानी हमारे पास हो रही है, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास इस प्रोडक्ट को खुद बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है। सर कितना फ़ायदा है? सर अगर मैं X1 को खुद से बनाता हूँ तो X1 खुद से बनाने की वजह से मुझे पर यूनिट के ऊपर 2 रुपये की सेविंग है, यहाँ पर सेविंग थोड़ी ज़्यादा है 5 रुपये पर यूनिट, यहाँ पर सेविंग मेरे पास आ रही है सिर्फ 1 रुपया पर यूनिट और यहाँ पर भी 1 रुपया पर यूनिट। लेकिन सर इस सवाल में मेरा मसला ये है कि मेरे पास मशीन आवर भी शॉर्ट है, तो मैं सिर्फ सेविंग की बेस पर फैसला नहीं कर सकता, मुझे अपना लिमिटिंग फैक्टर भी जो है वो चेक करना है, और इस केस में लिमिटिंग फैक्टर मेरे पास मशीन आवर्स हैं। तो अगर मैं मशीन आवर्स की बात करूं जो कि सवाल में गिवन है, दैट वाज 8 आवर्स पर यूनिट एंड 4 आवर्स पर यूनिट, 5 एंड 2। सर ये काम होने के बाद ये सवाल ऑलमोस्ट मेरे पास एंड हो गया है, अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं बची है और अब मैं दोनों वर्किंग्स को अपने पास यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ, जिसका मतलब ये हो गया कि दैट नाउ आई कैन ईजली कैलकुलेट माई कॉन्ट्रीब्यूशन, या इस केस में तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेविंग हम एक तरह से जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अगर हर यूनिट पर 2 रुपये मुझे बच रहे हैं और एक यूनिट के ऊपर 2 रुपये बचाने के लिए मुझे 8 घंटे खर्च करना पड़ रहा है, तो मेरे भाई मेरी 1 घंटे की सेविंग क्या हो रही है? सर मेरे पास 1 घंटे की सेविंग
यहाँ पर आ जाएगी, विच इज़ अगर आप कैलकुलेट करें 0.25 पर आर, 1.25 पर आर, 20 पैसा पर आर, और ये आ रही है 50 पैसे पर आर। और अगर मैं इनकी रैंकिंग करना स्टार्ट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये स्क्रीन के ऊपर क्लियर नज़र आ रहा हो, कि पहले नंबर पे मेरे पास X2 बनेगा, दूसरे नंबर पे मेरे पास X4 बनेगा, तीसरे नंबर पर ऑब्वियसली X1 है, एंड द लास्ट वन इज़ X3। सर ये मेरे पास आ गई है रैंकिंग। अब मैं इस रैंकिंग की बेस पर फैसला करूंगा कि कौन से मैंने प्रोड्यूस करने हैं और कौन से मैंने जो है वो बाहर से प्रोड्यूस करवाने हैं। तो सर आए अगले स्टेप की तरफ मूव करें। अब हमें प्रोडक्शन प्लान बनाना है, प्रोडक्शन एंड परचेज प्लान। पहले हम प्रोडक्शन को पूरा कर देते हैं, फिर हम परचेज की तरफ मूव करेंगे। सर प्रोडक्शन में सबसे पहले मेरे पास डिमांड पूरी करनी है X2 की। X2 के एक यूनिट के अंदर मेरे पास 4 घंटे खर्च होते हैं। X2 की डिमांड 2000 यूनिट्स की है, जिसका मतलब है कि मेरे पास टोटल जो घंटे खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं 8000। ये मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये मेरे पास डिमांड थी और ये मेरे पास मेरे भाई था मशीन आर्ट्स पर यूनिट। सर सेकंड पे मेरे पास डिमांड आ रही है, सेकंड पे मेरे पास रैंकिंग आ रही है X4 की, जो 2 घंटे के अंदर बनता है, जिसकी अपनी डिमांड 4.5 की है, जिसका मतलब है कि 9000 घंटे पूरे हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखना है, मैं खुद अक्सर आपको बोलता हूँ, सर ये देख लें कि आपके पास टोटल अवेलेबल आवर्स हैं कितने। सर मेरे पास टोटल अवेलेबल आवर्स हैं 50, और 50 में से 9 और 8, 17 मैं जो है वो खर्च कर चुका हूँ। तो मुझे बाकी प्रोडक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान करना है कि कहीं मैं इसको एक्सीड ना कर दूँ। सर X1 मेरे पास लेता है जनाब 8 घंटे पर यूनिट, और X1 की डिमांड मेरे पास पूरी इनफेक्ट नहीं हो रही है। तो अगर मैं रिमेनिंग घंटे अपने पास चेक करूँ तो 50 में से 9 और 8 मैंने खर्च कर दिए हैं। तो सर अगर मैं बैकवर्ड मूव करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास रिमेनिंग रह गए हैं 33,000 आवर्स, और क्योंकि एक यूनिट 8 घंटे में बन रहा है तो 33,000 डिवाइड बाई 8 आपके पास आ रहा है 4125। इसका मतलब कि मैं X1 की डिमांड भी पूरी नहीं कर सका। तो सर अब जो चीज़ें मेरे पास बच गई हैं, जाहिर सी बात है मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, तो उन चीज़ों को अब मैं मार्केट से जाके बाय कर लूँगा। और ये मेरे पास हो गया मेरे भाई इस प्रोडक्ट का, इस मंथ का परचेज प्लान। अब हम प्रोक्योरमेंट वालों को बोलेंगे भाई जो डिमांड पूरी नहीं हो रही आप वो जाके बाय कर लें। X1 की डिमांड मेरे पास जो है वो तकरीबन 4125 मैंने पूरी की है, तो X1 की जो टोटल डिमांड मेरे पास आ रही है वो आ रही थी 7100 की। तो मेरे भाई रिमेनिंग जो मेरे पास बच गई है दैट इज़ 2375, और वेंडर मुझे 3500 रुपये पर यूनिट का जो है वो दे रहा है। और अगला प्रोडक्ट मेरे पास बच गया है X3, जिसकी 700 यूनिट्स की डिमांड है, आई थिंक 700 की है, सॉरी 7100 यूनिट की डिमांड है। और ये मुझे ऑफर कर रहा है 34 पर यूनिट। तो सर ये मेरे पास एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास आ गया है, तो काइंडली इसको जो है वो चेक कर लीजिएगा। और ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का सवाल था। अगर आपने ये सवाल पहले सॉल्व किया हुआ या सवाल अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इसी तरह का एक और आपके पास सवाल है विच इज़ फ्रॉम मार्च 2019 विद द नेम ऑफ लिली प्राइवेट लिमिटेड। काइंडली ये सेम बेस पे मेक और बाय का एक सवाल है, इस सवाल को भी आप ज़रूर देखें, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो सीमेंट हो जाएगा। थैंक यू।